नो जाते जाते भी प्रियंका और आपके बीच में एक थोड़ा सा यू नो मन मुटाव हुआ था, एक बिटर नोट पे बाहर निकले थे, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं नहीं, वो बिटर नोट नहीं था, वो मन मुटाव नहीं था. It was actually a fun, no, not fun banter. It was a love banter. You know, जब आप शो में थे तब भी और आज भी कई लोग आपके और प्रियंका के बॉन्डिंग या रिलेशन पे तरह तरह के सवाल उठाते, तो आज यू नो आपके सारे फैंस भी जानना चाहेंगे, लिसनर्स जानना चाहेंगे, आखिर में क्या है, सच्चाई क्या है इस एंटायर थिंग के पीछे? हम पिछले 2 साल से अपने रिश्ते का जस्टिफिकेशन देते आ रहे हैं, बट आई थिंक इट इज टाइम नाउ व्हेन वी स्टॉप जस्टिफाइंग इट. Hey, hello everyone, this is your Bollywood spy, यानि कि आरजे दिव्य सोलकम, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम सबके चाहिए अंकित. अंकित, सबसे पहले तो ये बताइए, बिग बॉस के घर से निकलने के बाद यू नो आजादी की सांस कितनी एंजॉय कर रहे हैं आप, कैसे एंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या किया घर से बाहर निकलने के बाद? एक्चुअली ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ कि आजादी की सांस है, क्योंकि मैं जो घर के बाहर करता हूँ वही मैं घर के अंदर भी कर रहा था. okay. कभी कभी थोड़ा घूमना फिरना मिस करता था, बट बाहर आके भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पा रहा है. तो ऐसा कुछ मुझे ज्यादा चेंजेस लग नहीं रहे. बट क्या फर्स्ट थिंग क्या किया जो एकदम इंस्टेंट बाहर आने के बाद? फर्स्ट थिंग क्या की? फर्स्ट थिंग मैंने ओके चाय पी, चाय अच्छी चाय पी. नहीं जी, अच्छी चाय तो मैंने घर के अंदर बहुत पी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता था घर के अंदर, बड़ी फेमस हुई थी. बट घर के बाहर आके सबसे पहले कॉल माय पेरेंट्स, आई स्पोक टू माय मदर आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. जी तो हाँ, उनको भी जब फोन किया उनको भी बिलीव नहीं हुआ कि मैं बाहर आ गया. ठीक है, घर की बात करेंगे तो सच सच बताना, कब ऐसा लगा था कि बाप रे बाप मैं ये कहां फंस गया, मतलब अंदर आने के बाद एक वो जो फर्स्ट पॉइंट जो आया था, कब हुआ था ऐसा? एक्चुअली पहले दूसरे दिन ही आ गया था, क्योंकि एक तो मुझे लोगों के साथ रहने की आदत नहीं है, एंड सडनली मैं देखता हूँ 16 लोग मेरे साथ एक घर में है और वॉशरूम सेम शेयर कर रहे हैं, रूम शेयर कर रहे हैं, एंड हर कोई एक दूसरे से बात करके मैं जानने की कोशिश कर रहा. तो ये तो प्रोसेस, ये थॉट तो पहले दूसरे दिन ही आ गया था. फिर उसके बाद सोचा कि अब आ गए हैं तो जब तक है रहते हैं अपने हिसाब से. ओके, बट और वो ट्रिगर पॉइंट कब आया कि अब यहाँ नहीं रहना है? ऐसा ट्रिगर पॉइंट एक्चुअली आया नहीं कि अब यहाँ नहीं रहना है. हाँ, कभी कभी लगता था कि बाहर क्या चल रहा होगा, बाहर देखना है, दोस्तों से मिलना है, ये सब चीजें करनी है, बट ऐसा कभी ट्रिगर पॉइंट नहीं आया कि मुझे अब तो यहाँ रहना ही नहीं है, अब तो मुझे यहाँ से जाना है, ऐसा ऐसा हुआ नहीं कभी. ओके, यू नो जाते जाते भी प्रियंका और आपके बीच में एक थोड़ा सा यू नो मन मुटाव हुआ था, एक बिटर नोट पे बाहर निकले थे, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं नहीं नहीं, वो बिटर नोट नहीं था, वो मन मुटाव नहीं था. It was actually a fun, no, not fun banter. It was a love banter. जब मैं निकल रहा था तो उसे उसे मेरा वो evil eye, she wanted my evil eye as a something to remember me by. और मैं उसको बोल रहा था कि क्यों तुझे मेरी यहाँ पे चीज रखनी है, क्यों मुझे याद करके तुझे emotional होना है, अपने game पे focus करना, इतनी स्ट्रॉन्ग है तो मेरे चक्कर में क्यों इमोशनल हो रही है, बाहर तो आ ही रहे ना, सात हफ्ते में बाहर आज मिल जाएंगे, तो इसमें इतनी कौन से वो. तो मैं, क्योंकि वो थोड़ी सी ज्यादा इमोशनल है, मैं थोड़ा सा कम इमोशनल हूँ, तो हमारे बीच में ये चीजें कभी कभी हो जाती है. तो आई जस्ट वॉन्टेड कि वो स्ट्रॉन्ग रहे और मैं चला, मैं घर से जा रहा हूँ इस बात को सोच सोच के अपनी तबीयत ना खराब कर लें. जब आप शो में थे तब भी और आज भी कई लोग आपके और प्रियंका के बॉन्डिंग या रिलेशन पे तरह तरह के सवाल उठाते, तो आज यू नो आपके सारे फैंस भी जानना चाहेंगे, लिसनर्स जानना चाहेंगे, आखिर में क्या है, सच्चाई क्या है इस एंटायर थिंग के पीछे? हम पिछले 2 साल से अपने रिश्ते का जस्टिफिकेशन देते आ रहे हैं, बट आई थिंक इट इज टाइम नाउ व्हेन वी स्टॉप जस्टिफाइंग इट. जिसको जो भी सोच के खुशी मिलती है, आई थिंक खुश रह लेना उनको.
ओके आपकी एक पार्टी क्लिप वायरल हो गई थी और उसके बाद लोग कह रहे थे कि अंकित तो फुल पार्टी एनिमल है लेकिन अंदर चुप रहता है, तो कई लोग ये भी बोलना चाहते हैं और फ्रैंकली बताइएगा कि प्रियंका क्या एक मेजर फैक्टर थी फॉर यू टू बी क्वाइट इनसाइड द हाउस एज मैक्सिमम टाइम्स पे वही बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं? एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, और प्रियंका की वजह से मैं चुप, यार आई एम अ ग्रोन मैन, आई एम 35, व्हाट से आई टेक माय ओन डिसीजंस, मुझे किससे कितनी बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, मुझे कब चुप रहना है, कब बोलना है, इट्स ऑल माय डिसीजन. अब पूरा पार्टी एनिमल, आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल, बट इट वाज अ स्पेशल डे, जो पार्टी की वीडियोस जो लीक हुई है, इट वाज न्यू ईयर्स एंड अलोंग विद दैट मैंने नया शो साइन किया था, तो उसकी भी एक खुशी थी. तो उसके उस लिए न्यू ईयर्स और नए शो की खुशी में थोड़ी सी पार्टी ज्यादा हो गई. बट जनरली आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल, आई डोंट पार्टी एट ऑल, आई डोंट लाइक टू बी अराउंड पीपल. सो मैं जहाँ लोग होते हैं मैं ज्यादातर उनसे बच बच के घूमता हूँ. बट यस, वहाँ पे बहुत सारे पुराने दोस्त थे, रवि सरगुन थे और पूरा उडारिया के काफी कास्ट थी, तो उस चक्कर में कभी कभी इट्स ओके टू लेट लूज. और आप मिस कर ही रहे थे. और मैं क्या मिस कर ही रहे थे पार्टी नहीं बट हाँ मैं दोस्तों को तो मिस कर ही रहा था. So, तो उस पार्टी में मुझे लगा कि अगर प्रियंका भी होती तो और ज्यादा मजा आता. सो यू नो कई लोग प्रियंका के आवाज को लेकर एक वो भी ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन आप अर्चना के दोस्त भी थे और वो तो चिल्ला रही थी, मतलब उसका आवाज तो हमारे कान गूंजते हैं. अंकित सच बताना कितना पेन होता था जब वो चिल्लाती थी. वो जब भी चिल्लाती थी आपने देखा मैं इधर उधर हो जाता था, मुझे ज्यादा उससे मतलब नहीं होता था. प्रियंका और अर्चना की काफी अच्छी दोस्ती थी पहले, और उस चक्कर में मुझे प्रियंका को उसको प्रियंका के चक्कर में मुझे अर्चना को थोड़ा बहुत झेलना पड़ता था. अगर मैं ऐसे नहीं होता तो फिर मैं तो एक्चुअली आई थिंक एक दो लोगों के अलावा मैं घर में किसी से बात भी नहीं करता. इफ इट इज नॉट फॉर प्रियंका तो मैं किसी से, एक दो के अलावा किसी से बात नहीं करता. So, अब्दू की एक स्पेशल फैन फॉलोइंग है और उनके वहां से भी एक सवाल आया कि आपने अब्दू के साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग दिखी थी कुछ इनिशियली, तो कोई गाना वाना गाते थे? बिकॉज़ यू लाइक म्यूजिक तो वो भी म्यूजिकल पर्सन, कुछ ऐसा होता था? अब्दू का जो अब्दू का सॉन्ग है हम लोग वो गाना बहुत गाते थे. अब्दू का सॉन्ग है तेरे नाम दगा पास हुआ दिल दीवाना. सो हम लोगों ने ये गाना इतना गा लिया था घर के अंदर. कुछ हफ्तों बाद जब अब्दू गाना शुरू करता था आई यूज्ड टू से अब्दू अगर अभी गाया ना मार दूंगा तुझे. ओके, मेरठ में आपका बचपन गुजरा है, तो यू नो कैसे देखते थे फिल्में और कौन सी स्पेशल फिल्में याद है फ्रॉम 80s एंड 90s के दौर में? एक्चुअली मैंने फिल्में देखना बहुत लेट शुरू किया था. ओके, बट मेरी जो बचपन की एक फिल्म थी जो आई थिंक मैंने 40-50 बार या उससे भी ज्यादा बार देखी होगी, वो है मिस्टर इंडिया. वो क्या बात है, वो फिल्म इतनी पसंद थी मुझे. और हम जब भी अपने मेरे मामा मामी हम उनके घर पे जाते थे तो उधर उन्हीं के पास उस टाइम पे उन्हीं के पास वीसीआर होता था, हमारे घर पे तो केबल कनेक्शन भी नहीं था. तो जब भी हम वहां जाते थे और एक ही कैसेट होता था मिस्टर इंडिया, तो हम हमेशा उसी ही लगा के बैठ जाते थे. तो 90s के दौर में कौन से आपके फेवरेट हीरो हीरोइन थे? कभी किनसे मिले आप बाद में, यू नो इस फील्ड में आने के बाद, या कोई लेजेंड से मुलाकात? मैं एक्चुअली मेरे एज सच कोई फेवरेट नहीं है, कभी नहीं रहे लाइफ में. बट आई एडमायर लॉट ऑफ पीपल एंड जितने भी अच्छे एक्टर्स होते हैं मैं उनका काम देख के हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ. एंड जो भी कोई अच्छा सीन देखता हूँ उसको सोचता हूँ कि ये और कैसे हो सकता है. बट मेरा ऐसा कभी आई हैव नॉट बीन अ फैन ऑफ एनीवन, आई हैव नेवर हैड अ फैन मोमेंट. तो बट मैं काफी लोग हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिनके काम से मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ. जैसे नसीर साहब है, इरफान खान थे, नवाजुद्दीन जी हैं,
सलमान सर है, जो अंदाज अपना अपना में जो उन्होंने किया था, इट इज सो डिफिकल्ट टू डू. आमिर सर है, शाहरुख सर है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई रियली एडमायर. बट आई थिंक टू एक्टर्स दैट आई रियली लव इज टॉम हैंक्स एंड टॉम हार्डी. क्या बात है, क्या बात है. यू नो, आपकी ये जो फैन क्लब है, दैट इज अंकित बटालियन, जो हैशटैग यूज करती है आपकी फैन क्लब, अंकित गुप्ता अंडरस्कोर टीम, जो है उनके, दे हैव बीन ह्यूज सपोर्टर्स, यू नो, आपके बहुत ज्यादा सपोर्टर. अगर बाकियों की भी फैन क्लब होती है, लेकिन इन्होंने जो ट्विटर पे मतलब पूरा मोर्चा, सलमान आके कुछ भी बोल रहे हैं, पूरा घर कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग आपके सपोर्ट में थे, तो एक तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में और कौन सा गाना उनको डेडिकेट करेंगे? मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगा कि आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड रियली ग्रेटफुल. इतना प्यार और इतना सपोर्ट जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, जिसकी कभी आशा भी नहीं की थी. और मैं लिटरली ना कई बार सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया इस लाइफ में जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार मिल रहा है. बट आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबॉडी जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरा सपोर्ट करते हैं. एंड आई ऑलवेज यू नो ट्राई टू बी रियल एंड आई ऑलवेज ट्राई टू एंटरटेन यू गाइज बाय समथिंग और द अदर. सो बस ऐसे प्यार बरसाते रहना. कौन सा गाना? गाने के बारे में मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं, बट कभी कभी क्या होता है ना, एक सॉन्ग है, कभी कभी क्या होता है वो जब मेरे किसी डिसीजन पे पूरी बटालियन गुस्सा हो जाती है, कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज होते हैं, तो फिर मेरे दिमाग में ये गाना आता है, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब हुनर को ना देखा. सुपर्ब, सुपर्ब. कुछ फैंस का ये भी सवाल था कि इतने दिन आपने बिग बॉस के घर में बिताए, तो प्रियंका के साथ आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? कौन सा एक पल जो हुआ रहेगा, जो आज भी घर से बाहर आने के बाद, यार वो जो दिन था, वो जो पल था, वो बहुत कमाल का था. एक्चुअली जब वो टास्क था और सबकी चिट्ठियां, घर से आई हुई चिट्ठियां पढ़ी जा रही थी, और उस टास्क में प्रियंका को अंदर अंदर जाके अपनी चिट्ठी लाने का मौका नहीं मिला था, तो शी वाज अपसेट. तो फिर उसके लिए मैंने अपनी एक खुद से ऐसे चिट्ठी बना के पूरी चिट्ठी पढ़ी थी. देन शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी अगेन स्टार्ट स्माइलिंग. तो आई थिंक वो मेरे पूरे घर की जर्नी का सबसे बेस्ट मोमेंट था प्रियंका के साथ. That's so sweet. आपका जो next show है रूहानियत with Gautam and it's based on music. Being a movie and music buff, कैसा लग रहा है playing a role of musician? ये शो का नाम है जुमियत, और आई थिंक ये मेरी लाइफ का ना सबसे चैलेंजिंग एंड सबसे डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आई एम अ मूवी बफ, आई लव म्यूजिक, बट मुझे रिदम और बीट्स ना समझ नहीं आती, सुनाई नहीं देती, एंड आई डोंट नो हाउ टू प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट्स, और मैं बहुत बुरा गाता हूँ. बट ये सब क्वालिटीज होने के बाद एक म्यूजिशियन, एक रॉक स्टार का कैरेक्टर प्ले करना विद यू नो फुल डेडिकेशन एंड लोगों को कन्विंस करना कि हाँ ये एक्चुअली ये अंकित नहीं, ये जहान है, विल बी सो डिफिकल्ट फॉर मी. एंड इट इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस आई एम डूइंग द शो, आई सेड यस फॉर इट, बिकॉज एज एन एक्टर आई विल रियलाइज कि मेरा हराइजन कितना बड़ा है, और मैं आई विल ग्रो एज एन एक्टर. ओके, सो लास्टली अगेन एक छोटा सा रैपिड फायर, 80s और 90s के फिल्मों के टाइटल दिए जाएंगे और आपको बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के साथ उसे नाम बताना है, बिकॉज़ आपको वो दौर की फिल्में पसंद है. तो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स मिस्टर इंडिया. मिस्टर इंडिया सुम्बुल. ओके, चालबाज. चालबाज एक्चुअली सारे ही चालबाज है, बट आई विल से निमृत और शिव. ओके, साजन. साजिद. साजन, साजन, साजन मूवी. साजन, साजन, साजन कौन सा लड़की जिसने कुर्बान कर दी है, जो लड़की लेके गया. नाम नाम बताइए. साजन,
Arjun, I think Abdu. Okay. Rangila? Rangila. Rangila to actually koi bhi nahi hai. ओके हाँ ऑफ कोर्स हसीना के साथ मोहरा कौन थे इसमें मोहरा मोहरा एक्चुअली मंडली के सारे सदस्य एक दूसरे के मोहरा है ओके खलनायिका खलनायिका अर्चना बड़े मियां छोटे मियां साजिद सरन अब्दू गुलाम गुलाम निमृत सुम्बुल शिव एक्चुअली गुलाम नहीं है शिव सबको गुलाम बनाने की कोशिश करता है ओके तो नेक्स्ट इज शहनशाह 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 आई थिंक साजिद सर बैठ के सब पे शहनशाही कर रहे हैं बाजीगर जो बहुत बाजी लगाते हैं बाजीगर आई थिंक प्रियंका क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं क्या बात है खिलाड़ी टारगेट किया जाता है इतना परेशान किया जाता है घर के अंदर उस सब के बाद भी जब वो जीत के निकलेगी ना पूरा इंडिया उसको बाजीगर बोलेगा यू सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट चलो अच्छा खिलाड़ी खिलाड़ी शिव बहुत दिमाग से खेलता है Who's the yes boss? जो हर चीज में yes boss, you know? सिंबल अच्छा गॉड मदर मैं उसको नाम बोलना नहीं आता गॉड मदर गॉड मदर आई थिंक सौंदर्य बनने की कोशिश करती है बट है वो दीवाना गौतम दा ओके एंड लास्टली लाडला लाडला तो मैं अरे हाँ वो भी है ग्रेट ग्रेट अंकित थैंक यू सो मच जाते जाते आपके फेवरेट गाने बताइए तो वी कैन प्ले दोस सॉन्ग्स फ्रॉम द 90s era फ्रॉम द 90s era आई थिंक 80s आल्सो 80s में आई थिंक वो आई गुलाबी आंखें जो तेरी देखी वन दैट एंड ए मेरे दिल के चैन So you are more of Panchamda and you know Rajesh Khanna 70s ke full fan. I think मुझे ना actually music directors पता नहीं है ज़्यादा और साजिद सर के साथ मैं घर के अंदर हमेशा यही बात करते थे. He used to ask me, who tell me who's Kishore Da, Lakshmikant Pyarelal. Sir, मेरे को नहीं मालूम इन्होंने कौन से song बताए हैं but I think Kishore Da and Mohammad Rafi and Lakshmikant Pyarelal everybody is great and legend. हर किसी का एक अपना एरा था एक अपना टाइम था आई कांट कंपेयर अंकित थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो नशा एंड गेट वेल सून और जल्दी बॉम्बे आइए फिर मिलते हैं पूरे मेरे रेडियो स्टेशन की लड़कियां आपके लिए वेट कर रही है दिस इंटरव्यू इज हैपनिंग फॉर देम ओनली वो लोग ने मुझे पहले ही बोला देव प्लीज गेट हिम आउट हियर प्लीज गेट हिम वो लोग सब आपकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है एंड लेट मी टेल यू बहुत तो प्लीज आप जब भी आ रहे हैं स्टेशन आइए प्रियंका के घर आने के पहले बिल्कुल बिल्कुल ओके टेक केयर एंड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच रेडियो नशा